हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त एनके प्रजापति। दोस्तों, आज तारीख है 16 जनवरी। इस टाइम सर्दी अपने पीक पर है। टेम्परेचर रात का टेम्परेचर 4-3-2 के आसपास रह रहा है और रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, सूखा पाला पड़ता है, यानी कि बर्फ टाइप पड़ती है। ठीक है, ये जो आप बेल देख रहे हैं, लौकी की बेल है। सर्दी में भी ये काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। ये इसको लगाए हुए कम से भी कम आपका 3 जुलाई को ये मैंने लगाया था अपने घर के लिए। अब देखें इसका रूट जोन, ये एक बेल है। ठीक है, एक बेल का आप तना भी देखें, देखिए कितना मोटा ये तना है। और ये देखिए मेरे पूरे हाथ में ये आ रहा है। ठीक है, मेरे पूरे हाथ में ये है। अब देख कितना ये फैलाव कर चुकी है। ये 3-4 बेलें मैंने लगाई थी। ये जो वैरायटी है एकदम देसी, जो गांव में देसी वैरायटियां चलती हैं वो वैरायटी है। फ्रूट हमने इससे काफ़ी ज़्यादा इससे फ्रूट लिया है। डेली हम हार्वेस्ट करते हैं इससे अपने, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है मैं डेली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उनको। देखिए फ्रूट लगा हुआ है, क्वालिटी भी अच्छी है। जितना सर्दी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा बढ़वा रहा है। ये देखें, और ये छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं। बेल काफ़ी ज़्यादा पुरानी होने की वजह से डैमेज होती रहती है। और ये ऊपर भी देखें काफ़ी फ्रूट है। ये हमारा जो गाय भैंस है हमारी, उसके लिए टीन शेड पड़ा हुआ है ऊपर, ये पूरा उसी पे फैली हुई है। देखिए पूरा मैं आपको वहाँ तक दिखाऊं कितना ये फैला हुआ है। और देखिए लौकी छोटी छोटी निकल रही हैं। और अब देखें ये भी, इधर भी देखिए कितनी अच्छी लौकी इधर। जो ज़्यादा सर्दी पड़ रही है उसकी वजह से थोड़ा सा इसकी ग्रोथ में फ़र्क है, 50% फ़र्क नज़र आया है। अगर ये नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे होता वेदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स था इसका। डेली हमने 6-7 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कितना फ्रूट अब भी लगा हुआ है। और अब मैं अपने टीन शेड के ऊपर आ चुका हूँ। ये बेलें जो ये सूख रही हैं, ये हुआ गया, ये दो साइड हमने बेलें लगाई हुई थी। और जो थोड़ा जंगली जानवर जो आ रहा पशु होते हैं, वो एक साइड से एक बेल उखाड़ दी और वो बेल सूख गई। तो ये वो बेल है जो सूखी हुई है। और जो अभी स्टार्ट है बेल, उसको भी आप देखें, ये फ्रूट लगा हुआ है, अच्छा रेस्पॉन्स है। इधर भी फ्रूट है और काफ़ी बढ़िया अभी तक रेस्पॉन्स। ये हमने बीज के लिए रखा हुआ, आप देखें बीज के लिए भी कितना बड़ा ये फ्रूट हो चुका है। और इसका वज़न कम से भी कम आपका 5-6 kg होगा। ये मैं उठा रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा ये फ्रूट है। इधर ये भी लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इस पर फ्रूट आए थे। देखिए उधर लगे हुए हैं। और बीज के लिए एक ये हमने रखा हुआ है, देखिए काफ़ी अच्छा। इधर ये लौकी लगी हुई है और इधर भी देखिए। और ये इधर आज एक दो लौकी मेरे को लेनी है, वही देख रहा हूँ कौन सा बड़ा लौकी है, मैं वो निकाल लूँगा। देखिए ये रहा, मेरे को बड़ा लौकी मिल गया है, मैं उसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा चलने की जगह नहीं है,
ये रहा एक मेरे को ये मिल गया है, काफ़ी बड़ा लौकी, छोटा ही है। ठीक है, ये मेरे को बड़ा लौकी मिल गया है। ठीक है, ये ठीक है, अभी भी काफ़ी लौकी इस पर लगे हुए हैं। ये बेल हम थोड़ा एक दो महीने के बाद इसको उखाड़ कर दूसरी हम लगाएंगे। बाकी नीचे भी इधर की साइड भी लौकी लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।